हे एवरीवन, वेलकम टू वाइस टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। सो नाउ, आज की जो लर्निंग वीडियो होने वाली है वो हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर शेयर किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने शेयर किया था कि एक छोटा सा ट्रेड मैंने लिया है जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी है। सो यहाँ पर मेरा ट्रेड जनरेट हुआ था अराउंड हेयर, इधर ट्रेड लिया था, मार्केट इधर अच्छा खासा जारी है, 211-212 के करीब तक मार्केट गई थी। एसएल मेरा यहाँ पर है, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का एसएल है मेरा, ठीक है, यहाँ पर, और 10 पॉइंट का रिवॉर्ड मिल रहा है। अब मेरा जो प्रॉफिट भी था वो समवेयर अराउंड आपका 2.5-3K के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। ऑलराइट, अब बहुत लोग होंगे वो ये बोलेंगे कि आप इसको बुक कर लो या फिर आप निकल जाओ। अब अगर आपको लंबी गेम प्ले करनी है ना, या फिर ऑप्शंस के अंदर अगर आपको थोड़ा सा अच्छा प्ले करना है, तो आपको ना कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो ये जो वीडियो है ना, ये सारी की सारी रूल्स के साथ है कि हम रूल्स को कैसे फॉलो करेंगे। अब देखो हुआ क्या है, पहले मैं आपको रिजल्ट दे देता हूँ कि हुआ क्या है। अभी यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है, आप देख सकते हो 550 रुपये के करीब का प्रॉफिट निकला है। अब अगर आप यहाँ देखोगे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखो आप, वंस द ट्रेड इज़ इन योर फेवर, गो 1:1, ठीक है ना। अब एक बार जैसे ही 1:1 के अंदर आपका ट्रेड चले जाता है, मतलब आपका 10 रुपये का रिस्क था, ठीक है, अब आपका रिवॉर्ड भी 10 रुपये का आपको मिल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्राइस थी मेरी 198 के करीब, एसएल था 189 या 188 पे, अभी प्राइस चल रही है 210, तो 211, तो ऑलमोस्ट सेम रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। यहाँ पर 10 रुपये का रिस्क है और इधर ही 10-12 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्लियर है, ठीक है। अब जैसी ये चीज़ होती है ना, आपको क्या करना होता है, आप सबसे पहले ना, अगर आपको सेफ प्ले करना है, आप सबसे पहले जो अपना एसएल है ना, अपनी प्राइस के पास लेके आ जाओ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि जैसे ही मार्केट 203 के नीचे आएगी या कुछ आएगा ना, मैंने यहाँ पर नीचे डाला था, एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ मैं, एक सेकंड, ये रहा, यहाँ पर मैंने लिखा, देखो इधर मैंने साफ साफ लिखा है कि 203 के नीचे अगर प्राइस आएगी, मैं अपनी जो 188 का जो मेरा एसएल है, जो 188 का मेरा एसएल है, उसको मैं शिफ्ट कर दूंगा 199 या 198 के पास, मतलब अपने प्राइस के पास शिफ्ट कर दूंगा, जिससे मेरा नुकसान ना हो। अब आप देख सकते हो ये है चार्ट, और आप यहाँ पर देखो, यहाँ मेरी एंट्री थी, प्राइस यहाँ पर गई, अगर प्राइस वापस पूरा रिट्रेस कर देती है तो चांसेस ऑफ अप मूव आर लेस नाउ। क्यों, रीज़न बताता हूँ। देखो ये क्या है, ये है इम्पैक्ट कैंडल, बड़ी कैंडल आई है, यहाँ से मार्केट को एक लिफ्ट ऑफ देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर करेक्शन हो के मार्केट वापस ऊपर जाती तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल बढ़िया करेक्शन है और मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, बिल्कुल सॉर्टेड सीन है, ठीक है। बट यहाँ हुआ क्या, मार्केट ने अटेम्प्ट दिए और नीचे की तरफ रिजेक्ट हो गया और हमारा एसएल ले गई, ठीक है। अब हमने जो अपना एसएल को ट्रेल किया था, बिल्कुल कैलकुलेटिवली किया था कि ट्रेल हो जाएगा, बात ख़त्म, अपन निकल जाएंगे, दिन में 1-2 ट्रेड लेने हैं मैक्सिमम, फालतू की ओवर री एंट्री नहीं करनी, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब वाला अकाउंट है, 3 लाख इसमें कैपिटल है, इसी को ट्रेड करना है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना है, ठीक है। रूल्स क्लियर हैं, एसएल हिट हुआ, दोबारा री एंट्री नहीं ली यहाँ पर, ठीक है। मैं बताता हूँ तो री एंट्री क्यों नहीं ली। अब दिन में 2 ट्रेड्स बैठे थे यहाँ पर, एक ट्रेड यहाँ था बट ये ट्रेड थोड़ा मिस हो गया था, बिकॉज इसके चक्कर में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया था यहाँ पर। अब जब दोबारा यहाँ ट्रेड सेट हुआ इधर, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, अगर आप देखोगे इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, ये आपका क्या है, मॉर्निंग फर्स्ट कैंडल हाई है, मार्केट ने क्रॉस किया, वापस रिट्रेस किया, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पर एंट्री ली। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या था, यानी आप देखो यहाँ पर अलर्ट भी लगा रखा है, आप देखोगे अलर्ट लगा हुआ है इधर, मार्केट ऊपर गई, इधर क्या कर रही है, एक फ्लैग टाइप पैटर्न बना रही है। अब इधर से अगर मार्केट ने ऊपर जाना होता तो मार्केट क्या करती, एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ एक बड़ी कैंडल बनाती और एक इस टाइप का मूव देती, ठीक है। बट क्या हुआ, मार्केट वापस नीचे आ गई। अब मार्केट क्या कर रही है, पूरे दिन मार्केट होगी साइडवेज। अब आप देखना, जो भी आपके बहुत ज़्यादा डेस्परेट ऑप्शन बायर्स होते हैं ना, वो इन सब के अंदर ट्रेडिंग करेंगे, वो स्कैल्प करने की कोशिश करेंगे, यहाँ खरीदेंगे, यहाँ बेचेंगे, यहाँ खरीदेंगे, यहाँ बेचेंगे, ये 2-4 पॉइंट के पीछे नौटंकी करेंगे। इसमें क्या होगा, इनकी एंट्रीज बहुत ज़्यादा होंगी और एट द एंड ऑफ द डे कैपिटल बनेगी नहीं, बस इरोड होगी। और मैंने आज यहाँ पर क्या किया है, एक एसएल मेरा हिट हुआ बिकॉज मार्केट ने जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं किया, तो मैंने क्या किया, इधर अपना एसएल खाया, वो भी ट्रेल करा है, मेन एसएल नहीं खाया है, बिकॉज 10 रुपये देने का कोई पॉइंट नहीं है। वंस योर ट्रेड इज़ 1:1, आपका ट्रेड अगर जा चुका है ना, 10 रुपये 12 रुपये आपका ऊपर पहुंच चुका है, तब वापस नीचे लेने का कोई पॉइंट नहीं है, बेटर है प्राइस पे लो और निकल जाओ,
ठीक है, सीधा सा साफ है। अगर अब एक चीज़ और, अब मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि कभी कभार क्या होता है, 5-6 बार या 6-7 दिन ना लगातार ऐसा हो सकता है, मेरे साथ हुआ है बहुत बार कि 1:1 अगर जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो 5 से 6 दिन लगातार मार्केट ना मेरे फेवर में गई और 1:1 या 1:1.5 तक गई और वापस नीचे आई और मेरा एसएल हिट कर गई और फिर मार्केट साइडवेज हो गई या कुछ हो गया, ठीक है, क्लियर है, या थोड़ा सा ऊपर चली गई। अब 5-6 दिन बार ये चीज़ हो गई, अब मैंने 5-6 दिन पैसा नहीं कमाया बट पैसा गवाया भी नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा कि अगले हफ्ते मैं थोड़े से रूल्स चेंज कर दूँगा। रूल्स कैसे चेंज करूँगा, फॉर एग्जाम्पल आज का एग्जाम्पल देता हूँ, मार्केट थी कहाँ पर, 198 पे जब मैंने बाय किया था, मैंने यहाँ पर बाय किया, क्लियर, मार्केट 211 पे गई, मेरा जो एसएल है वो है 188 पे, ठीक है, क्लियर है, 10 रुपये का एसएल है मेरा। अब आज मैंने क्या किया, जैसे इस प्राइस पे गई या थोड़ा सा नीचे आई तब मैं इस प्राइस पे लेके आ गया, 199-198 पे लेके आ गया मैं, क्लियर है। अब मैं अगले हफ्ते अगर मेरे बार बार एसएल हिट हो रहे हैं, ट्रेलिंग एसएल, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लेके आ जाऊँगा इसके हाफ पे, ठीक है ना, इसके हाफ पे लेके आ जाऊँगा, मोस्ट प्रॉब्ली 193 पे, ठीक है। अब मैं ये सेम चीज़ अगर प्राइस मेरे फेवर में जा रही है तो मैं अपनी प्राइस पे लेके नहीं आऊँगा, मैं इन दोनों के बीच में ले आऊँगा, मतलब पहले जो 10 रुपये का एसएल था मैं इसको 5 रुपये पे ले आऊँगा, क्लियर है। एंड अगर उसके बाद भी हिट होता है, मान लो 5 दिन और बार बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, तब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा अब अपने एसएल को एक हफ्ता 188 पे रखूँगा, मैं ऊपर शिफ्ट नहीं करूँगा, ठीक है। आपको क्या होता है, देखो मार्केट क्या है, मार्केट ना एक जंगल है, ठीक है। अब आप इसमें से कोई छोटे मोटे जानवर हो, खरगोश ले लो या कुछ भी ले लो, छोटा मोटा जानवर है, अब खरगोश को ये चीज़ पता है कि जो शेर वेर है ना सुबह 4 बजे पानी पीने आते हैं तो मुझे इस वाले रास्ते के अंदर नहीं घुसना, ठीक है, मुझे इससे निकल जाना है, मुझे फटाफट दुपकते दुपकते मुझे पानी पी के वापस आ जाना है। आपको अपने रास्ते अपने रूल्स खुद बनाने पड़ेंगे, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मेरे रूल्स फॉलो कर लो, किसी और के रूल्स फॉलो कर लो, मैं भी एक जंगल में हूँ जैसे आप हो, मुझे अपने रूल्स बनाने, मैंने अपने रूल्स बना रखे हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे शिफ्ट करूँगा, ठीक है। ये एक तरीका है, छोटा सा एक मैंने आपको तरीका बताया कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को आपको कैसे यूज़ करना है अपने फेवर के अंदर, छोटी छोटी एंट्रीज लेनी है उसको आपको ट्रेल करना है, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैं किस टाइप के प्राइस एक्शंस को फॉलो करता हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर लाइक और शेयर्स आएंगे इस पे तो मैं एक अच्छी सी वीडियो भी इस पे बनाऊंगा, तो मेक श्योर आप उस चीज़ को करें, एंड ये वीडियो बताइएगा कितनी समझ में आई, कोई डाउट्स हैं कुछ हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जाने मत देना, इसको स्किप मत करना, कोई स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागना कि इस टॉपिक को आप छोड़ दो। मेरे जो अब ये जो मेरा 3 लाख का अकाउंट है इसके रूल्स मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, ठीक है, एसएल मेरा 10 से 15 पॉइंट के अंदर रहता है, इससे ज़्यादा एसएल होता नहीं है, इससे ज़्यादा एसएल है तो मैं क्वांटिटी कम कर लेता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस ना जाए, और कोशिश होती है कि 4000 से लेके मैक्स 5000 का मैं एसएल लूँ अगर मुझे 1 टाइम एंट्री लेनी है, और अगर 2 एंट्री लेनी पड़ जाए तो 8000 से ऊपर का एसएल ना जाए मेरा, ठीक है। ये मेरा मतलब ये मेरा रिस्क कंट्रोल है, इसके ऊपर नहीं करना मैंने, और 1:1 के ऊपर जब मेरा ट्रेड जाता है तो मैं ट्रेलिंग एसएल जो है वो कॉस्ट पे लेके आ जाता हूँ। तो कोशिश ये होती है कि मतलब महीने के अंदर जो रिस्क वाले ट्रेड्स हैं वो कम से कम हो, और जिस दिन मार्केट अच्छा खासा अपने को रिवॉर्ड दे रही है, कुछ दे रही है, उस दिन अपन ढंग से मार्केट को खींचें, जैसे ये वाला दिन हो गया, ठीक है, जिस दिन मार्केट अपने आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है उन दिनों पर आपको फ़ायदा उठाना है। ऑलराइट, मैंने आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो मेरी कोर्स वाली वीडियोस हैं जो आप अगर इस प्लेलिस्ट की उसमें देख आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट डाली हुई है, वहाँ पर मैंने आपको बताया भी है कि 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं महीने के अंदर जिसमें आपको जो आपको जो तगड़े दिन होते हैं ना इस टाइप के दिन वो आपको 4 से 5 दिन ही मिलेंगे, बाकी सारे दिन क्या होगा, या तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा या आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, या फिर आपका जेन्युइनली एसएल हिट होगा, ये 3 चीज़ें होने वाली हैं। अब लोगों को हर रोज़ पैसा चाहिए होता है, इस चक्कर में ना वो पैसा कमा नहीं पाता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दीजिए। ऑलराइट, आई होप वीडियो शॉर्ट सिंपल टू द पॉइंट थी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।